हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है एकता में बल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार कहानी से। एक आश्रम में दो बालक रहते थे। उन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती थी। इतना ही नहीं, वे दोनों एक दूसरे को हमेशा ही नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और उन्हें एकता के बारे में समझाने के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक जंगल में एक भैंस और एक घोड़े की लड़ाई हो गई। भैंस के बड़े बड़े सींग थे। उसने सींग मार मार कर घोड़े को अधमरा कर दिया। घोड़े को जब लगा कि वह भैंस से जीत ही नहीं सकता, तो कुछ समय बाद वह मौका देखकर वहां से भाग गया। भागते भागते घोड़ा मनुष्य के पास पहुंचा और उससे सहायता मांगी। मनुष्य ने घोड़े से कहा, मैं भैंस से तो नहीं जीत सकता, क्योंकि वह अधिक बलवान है और उसके बड़े बड़े सींग भी हैं। ये सुनकर घोड़े ने कहा, तुम एक डंडा लेकर मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं भैंस के आसपास तेज तेज दौड़ता रहूंगा और तुम उसे डंडे से मार मार कर अधमरा कर देना और फिर उसे एक रस्सी से बांध देना। मनुष्य ने कहा, मैं उसे बांध कर क्या करूँगा? घोड़े ने कहा, भैंस बहुत ही मीठा दूध देती है, तुम उसे पी सकते हो। मनुष्य ने घोड़े की बात मान ली। वह घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने डंडे से भैंस को मार मार कर अधमरा कर दिया। उसके बाद उसने एक रस्सी से उसे बांध दिया। घोड़े ने मनुष्य से कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरे चरने का समय हो गया है। ये सुनकर मनुष्य हंसने लगा और घोड़े को भी रस्सी से बांध लिया। इसके बाद उसने घोड़े से कहा, मैं रोज भैंस का दूध पीऊंगा और तुम्हारे ऊपर सवार होकर रोज घूमने जाया करूंगा। ये सुनकर घोड़े को बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, अगर तुम आपस में ही लड़ते रहोगे तो कोई तीसरा इंसान तुम्हारा फायदा उठा लेगा। इस बात को तुम आज समझो ना कल, लेकिन सच्चाई ये है कि एकता में बल है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें जरूर बताइए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।